तो दोस्तों आगरा पहुंच के सबसे पहले मैंने जो काम किया वो किया ऑटो, और उसके बाद मैं पहुंच गया आगरा की सबसे ज्यादा फेमस जगह ताजमहल पे। ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे थे। यहाँ पहुंच के भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी और बाहर कुछ इस तरह का सीन था, ये चेक करें भाई, मौसम बहुत ही अच्छा था और यही मौसम जो था ना वो आगरा के घूमने लायक था भाई। भीड़ इतनी जबरदस्त थी, यहाँ पे लाइन लगानी पड़ी अंदर घुसने के लिए। अभी एक और लाइन तो बची हुई थी। किसी तरह से भाई हम लोग अंदर पहुंचे धक्का मुक्की करते हुए, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और अंदर जब पहुंचे तो वहाँ कुछ ऐसा सीन था, दूर दूर तक खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और भूख लगी थी, लेकिन आगे चलते ही हमको मिला ये। आया गरम कचौड़ी। चाचा क्या बेच रहे हैं ये? खसला कचौड़ी, आलू का दाल। खसला कचौड़ी और सब्जी का है ये? आलू की सब्जी होती है। वाह भाई वाह वाह, क्या बोलते हैं इसको? खसला कचौड़ी। खसला और कितने की है ये? 20 का। कैंटीन में 35 का एक है सर। है कैंटीन में 35 का एक पीस है। अच्छा, अंदर कैंटीन में 35 रुपए का ये? यहाँ नो का रेट में 20 का। पहले एक पीस खिलाइए आप। ये बात तो इसकी कीमत है 10 रुपए की एक है। जी हाँ। और साथ में आलू की सब्जी बिल्कुल गरम गरम। हाँ, जो कहते हैं छोला और कुछ नहीं है, रोटियां बनाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू। कितने साल से बेच रहे हैं आप यहाँ करीब? मुझे हो गई 14 साल। 14 साल से यहीं बेच रहे हैं इसी जगह पे? वाह, तब तो आप कई साल से बेच रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं सब चीजें यहाँ पे। क्यों, कितना बदल गया यहाँ पे मामला? मामला कितना बदल गया यहाँ? चाटे नहीं, कितना बदल गया ये सब ताजमहल वगैरह? काफी धरती आसमान। अच्छा, ऐसा हो गया? पहले कच्चा था। अच्छा हो गया है बेकार? हाँ, अरे अच्छा हो गया। अब अच्छा हो गया, 14 साल पहले हुआ है ये। अब का नहीं होना 14 साल पहले। चलिए, तो इसकी कीमत है 10 रुपए की एक है। एनजी की सरकार में बनाए। अच्छा अच्छा, हाँ ये मायावती ने लगवाए सारे ईंटे वगैरह, उन्हीं की देन है ये। ये क्या है, ये भी वही सब्जी है? अच्छा, और ये चटनी कैसी है? खट्टी चटनी। चटनी में डालिए यार, इसमें चटनी खट्टी। बस 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 बस, काय की चटनी है चाहिए? ये धनिया हरी मिर्च। अच्छा, धनिया हरी मिर्च पुदीना पालक। अरे वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह। 300 लो। खट्टी है काफी। ये जो आलू की सब्जी है बाबा, बहुत बढ़िया। पूड़ियाँ भी आ गई चाचा? हाँ। ये क्या रेट है? वो एक ही 10 की 1 10 की 2। अच्छा, मूंग की दाल का ये और बेस्ट है। ये सूजी आटे का मूंग की दाल का। ओहो, ये बात है। अम्मा क्या बेच रही हैं? क्या बेच रही हैं? खीरे। एक खीरा कितने का दे रही है नमक वमक लगा के? 10 का। और वैसे अगर एक खाली ऐसे दे देंगे तो कितने का देंगे बिना नमक लगाए? कितने का कैसे ला लो, जो छिला लोगे तो 10 का है और छिला लोगे तो 10 का। ठीक है, तो एक छील दीजिए उसमें। छील के? हाँ, उसमें नमक नींबू लगा दीजिए। अच्छा सा। अच्छा, कीमत है इसकी 10 रुपए। हम धोके तब लगाते भैया। अच्छा, वैसे नहीं लगाते। और क्या नाम है अम्मा आपका? हाँ, उम्मती। अरे वाह। आवाज खीरे, आप कितने साल से बेच रही हैं यहाँ खीरे? कितने साल से बेच रही हैं आप? कितने साल से? हाँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें नींबू वींबू लगा के देंगी? सब चीज भैया। ये मसाले में क्या क्या पड़ा हुआ है? मसाला बढ़िया खीरा वाला। क्या क्या पड़ा है इसमें? नमक है, पैसा है, मसाला। अच्छा, सब मिलमा होता है जी बाजार से खरीद। अच्छा अच्छा, बाजार का है। कुछ है, कुछ दोना वगैरह मिल जाएगा? एक दोना दे दीजिए। Thank you.